कर दो दादा हम आपको। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्लाह का। तो दादा साहब, आप बड़े अरसे से जो है गायब थे, फिर काफी काम आपने ब्रेक किया, उसके बाद अब आप फिर माशाल्लाह अच्छा काम कर रही हैं, फिल्म भी कर रही हैं, प्रोडक्शन भी कर रही हैं, टीवी ड्रामे भी, तो उसके बारे में कुछ आप बताएंगे क्या है? गायब तो मैं कभी भी नहीं हुई, हमेशा फील्ड में इन रही हूँ और ऑडियंस के सामने रही हूँ। लेकिन ये है कि मैं कुछ सिलेक्टेड काम करती हूँ जो बड़ा मुझे अच्छा रोल मिले, अच्छा मेरी मर्जी के मुताबिक हो, तो फिर मैं काम करती हूँ। आम काम करने में मज़ा भी नहीं आता और अच्छा भी नहीं लगता, तो बाकी ये कोशिश करती हूँ कि कम काम कर लूँ लेकिन अच्छा अपनी ऑडियंस के लिए करूँ। तो आजकल कौन सी फिल्म कर रही हैं आप? आजकल तो काफ़ी फिल्में मेरी आई हैं, पीछे झूमर आई सैयद मोसा की, सगीता बेगम की गुलाबो, और फिर शहजाद रफीक सर की मोहब्बत सच्चियाँ। हाँ जी, इस वक्त काफ़ी मार्केट में तीन चार फिल्में मेरी चल रही हैं। और आने वाली फिल्म जिसमें आप इस वक्त काम कर रही हो अंडर प्रोडक्शन? हाँ जी, आने वाली भी दो तीन फिल्में हैं, लेकिन इस वक्त फिल्मों से ज़्यादा ट्रेंड जो है वो टीवी का, तो इसलिए टीवी में बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ। अभी मेरा चौधरानी चला है पीछे ड्रामा, फिर अब इस वक्त ऑनियर है सस कभी प्यास टाइटल रोल। अच्छा। अब इस वक्त मैं सलमा के सेट पे हूँ। ये प्रोडक्शन आपकी अपनी? हाँ जी, सलमा मैंने खुद प्रोड्यूस की है और रहमान प्रोडक्शन की। जैसे कि अब रहमान प्रोडक्शन की जानिब से एक मैंने सलमा नाम से ड्रामा शुरू किया, और सलमा एक बड़ा खूबसूरत सब्जेक्ट है। अच्छा। तो एक नई कोशिश है मेरी कि टीवी पे हम लोग प्रोजेक्ट करें, तो इसमें अदरीस आदिल साहब को मैंने डायरेक्टर लिया, जो कि मेरे चौधरानी और सस कभी इतिहास के भी डायरेक्टर हैं। अच्छा। और उसका कैमरा मैन मेरी जफर अवान, और राइटर है इसके तारिक सैनी, और इसमें कास्ट भी बहुत तकरीबन ज़्यादा, मैं ये समझूंगी कि जितने भी मेरे मेरे छोटे बहन भाई हैं सब लोग, जैसा कि इसमें मेरे पास सजना, आशा अली, नादिया अली और रूबी अलम, हनान, शाहजहान और शकील राजा, इसको मैं बिल्कुल ज़रा डिफरेंट टाइप बना रही हूँ। पंजाबी है तो पंजाबी का, लेकिन पंजाबी में इंशाल्लाह ताला बड़ा हट के चेंज आएगा। सोशल सब्जेक्ट है और फैमिली सब्जेक्ट है, तो इंशाल्लाह ताला लोग पसंद करेंगे, तो फिर नेक्स्ट भी इंशाल्लाह। आपका ये प्रोडक्शन की तरफ ध्यान कैसे बना, आजकल के प्रोडक्शंस की वजह से या कंपटीशन की वजह से? नहीं, ये है कि मैं तो हमेशा से कोई ना कोई काम करती हूँ, मैंने फिल्में भी तकरीबन चार प्रोड्यूस की हैं, और उसके अलावा थिएटर के मैंने ड्रामे बहुत प्रोड्यूस किए हैं। जब थिएटर में काम किया मैंने तो मैंने वहाँ भी इतने चार पांच प्रोड्यूस किए, तो अब मैं इस वक्त टीवी में ज़्यादा काम कर रही हूँ। तो काम तो हमारा यही है, क्योंकि ज़ाहिर है शो बिजनेस में काम कर रहे हैं बड़े देर से, और तकरीबन मेरी फैमिली में कोई हमारे चार पांच सिस्टर इसी शो बिजनेस में, जैसे नादिया अली मेरी छोटी सिस्टर है वो भी है, शीन है वो मेरी भांजी है, वो भी इस वक्त माशाल्लाह शो बिजनेस में है। अब मेरी बेटी है माहम रहमान, वो इस वक्त माशाल्लाह सिंगिंग में जा रही है, और तो फिर हम लोग जब ये काम करते हैं तो फिर इसी को हम लोगों ने देनी है ना, इसी पे तवज्जो देनी है, तो इसलिए अच्छा लग रहा है मुझे प्रोडक्शन का काम करना। तो उसके अलावा साथ साथ मेरा रहमान रेस्टोरेंट है, जो फनकारों के लिए स्पेशल रहमान रेस्टोरेंट है। अच्छा। जहाँ पे सभी बड़े से छोटे तक फनकार आते हैं। और चलिए, आपने मखसूस फनकारों की बैठक के लिए बनाया? हाँ, यही समझ ले, क्योंकि ऑडियंस के सामने तो हम लोग नहीं आ सकते ना, तो हमारे एक अपनी फील्ड में इतने लोग हैं, इतनी हमारी अपनी फनकार हैं, जो जिनको एक जरूरत है ऐसी जगह की कि जहाँ पे वो थिएटर खत्म करें दो ढाई बजे उन्हें कुछ जगह मिले, वहाँ पे वो प्रॉपर आके बैठे, गपशप लगाएं। फिर मैं उनकी दोस्त भी हूँ, तो उनके साथ कंपनी भी होती है, फिर वो यहाँ पे आते हैं सब लोग, टीवी आर्टिस्ट, फिल्म आर्टिस्ट, तो फिर होटल भी चलता है और दोस्ती भी चलती है, तो ये सिलसिला सारा। नाज़रीन, मैं आप लोगों को एक चीज़ दादा रहमान साहब के बारे में बताऊँ कि सरप्राइजली ये अब सिंगिंग की तरफ आ चुकी है, और इनके दो गाने इस वक्त बड़े मार्केट में इन हैं, तो इस हवाले से हम आपकी तरफ से भी, अपनी तरफ गुण की तरफ से भी बोलेंगे कि वो गानों के हवाले से कुछ बताएं, पर फिर उनमें से कोई गाना हमें गुनगुना कर सुनाए तो ज़्यादा अच्छा। गाने तो मेरे इस वक्त मार्केट में चल रहे हैं,
तो गाना अभी मैंने गाना पिछली दफा तो मैंने बसंत के हवाले से गाना बनाया था, तो वो माशाल्लाह इंडियन सीडी में आया, उसमें दलील मैंने सबका गाना है मेरा गाना है। अब पाकिस्तान से मेरा खाली मैं ही सिंगर हूँ उसमें। अच्छा। और वो मेरा गाना ऐसा गाना था कि जिसमें कोई इतना सोच ही आई सिंगर हूँ उसमें। अच्छा। और वो मेरा गाना ऐसा गाना था कि जिसमें कोई इतना सोच ही नहीं सकता कि एक गाने में इतने पाकिस्तान के फनकार 30-35 फनकारों को मैंने एक्सपोज किया। तो वो गाना मेरा था, उसकी बोल थी कुछ इस तरह, उड़े दिया गुटिया ते कटे दी पतंग वे, उड़े दिया गुटिया ते कटे दी पतंग वे, पेंदिया ने लुटिया ते तू मेरे संग वे, तू मेरे संग वे, उड़े दिया गुटिया ते कटे दी पतंग वे। ये उसकी बोलते तो ये आपने एकदम सरप्राइज इस तरफ भी आई है, और सिंगिंग का आपने बकायदा ये आपने रियाज किया सीखा, क्योंकि ये चीज तो बड़ी सीखने से ताल्लुक रखती है। हाँ, ये तो प्रॉपरली जो सिंगर है उनको तो रियाज करना पड़ता है, और वो तो बचपन से उनका होता है गाना, लेकिन मैं तो समझ लें शौक किया कि जैसे म्यूजिकल शो शुरू हो गया लाहौर में, तो उसमें एक आध एंट्री करनी होती थी, फिर मैंने सोचा कि नहीं मैं गाना गाऊँ, लेकिन प्रॉपरली अगर सिंगर बनेगी तो वो इंशाल्लाह ताला रहमान फैमिली में से महम रहमान बनेगी, बल्कि बन चुकी है वो तो माशाल्लाह अभी तो उसे 9th की स्टूडेंट है, लेकिन वो इतना अच्छा गाती है कि मुझे अच्छा लगता है और मुझे खुशी होती है। मतलब आपकी एम है कि वो ऐसा सिंगर ना, मैं उसको उसी में अपनी खुशियाँ ढूंढना चाहती हूँ, लेकिन मैं कभी कभी अपनी ऑडियंस के लिए गा देती हूँ। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आपने माशाल्लाह काफ़ी फिल्में भी प्रोड्यूस की हैं, और अब जो माहौल चल रहा है और पाकिस्तान और भारत के मुश्तरका प्रोडक्शन का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो इस हवाले से आप लीजेंड्स में हैं हमारे, तो आपने कुछ सोचा है कि कुछ ऐसी फिल्म बनाई जाए ताकि लोगों का ध्यान पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जाए? देखिए, इस वक्त जो हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का ट्रेंड है वो तो बिल्कुल समझे पलटा खा चुका है, कि इस वक्त पाकिस्तान में फिल्म बना के उसको लगाना, उसकी रिकवरी इतनी मुश्किल हो चुकी है कि मेरा ख्याल है कि कम ही फिल्में बनती हैं, और अब वो लोग फिल्में बनाते हैं कि जो 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 बेसिकली वो डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर, जैसे हमारे सैयद नूर साहब हैं, यासिन दार साहब हैं, या ऐसी प्रोडक्शन में लोग हैं जो कि अपनी जाती प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद भी अपनी मर्जी से रिलीज कर, वो तो अफोर्ड करते हैं फिल्म बनाना, बाहर से अगर कोई प्रोड्यूसर आएगा वो उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो लेकिन ये है कि अल्लाह करे हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अच्छे हालात हो, जैसे कि इस वक्त मोहब्बत सच्चियाँ बजाज कुछ फिल्में ऐसी हैं जो ऑडियंस को निकाल के लानी है। तो मैं ये समझती हूँ कि जब भी कोई सोशल फिल्म बनेगी, अच्छी अच्छे प्रोजेक्ट पे काम होगा, तो इंशाल्लाह ताला हमारी ऑडियंस को एक तफरी तो चाहिए। अब देखिए चैनल है, 200 चैनल है, घर में बैठ के सोन से लगा के देखते हैं, चाय पीते हैं, गपशप लगाते हैं, अब जो बंदा 3 घंटे के लिए फिल्म देखेगा तो वो फिर कितनी अच्छी फिल्म होनी चाहिए कि वो बंदा अपना 3 घंटे निकाल के वहाँ पे वो बैठ के वो फिल्म देखे, तो इसका मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए कि लोग मजबूर हो जाएंगे घर से निकलने के लिए। तो हमेशा ऐसा पहले होता है, ऐसा था। देखिए हमने जिन फिल्मों में काम की, मेरी फिल्म अनोखा दास थी, इश्क मचावे गली गली, बहुत सी मेरी फिल्में की जो ऐसी फिल्में थी कि जो एक हिस्टोरिकल फिल्में थी, एक अच्छा प्रोजेक्ट, अच्छे गाने, अच्छी डायरेक्शन, और आप देखें उसमें अगर एक लड़की गरीब है तो उन्होंने गरीब लड़की को गरीबी ड्रेस पहनाया, उन्होंने नीलन छींट कैमरे इसके कपड़े